यमुनानगर एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने बैटरी चोर सहित आधा दर्जन आरोपियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने 7 वारदातों का खुलासा किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि और भी मामलों का खुलासा हो सके। पकड़े गए आरोपी बाइक चोर हैं, कोई बैटरी चोर है तो कुछ लूट के आरोपी हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक आरोपी दामला के पास घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को पकड़ा। पूछताछ में जिसकी पहचान मॉडल टाउन दामला निवासी सुल्तान के रूप में हुई है। आरोपी ने पूछताछ में 3 वारदातों को खुलासा किया है। इसमें गांव संधौड़ा के पास 2 मोटरसाइकिल सवार जो मधुबन से करनाल की साइड से आ रहे थे, उनको रोक कर 4 आरोपियों ने उनको चोट मारकर उनसे मोबाइल, मोटरसाइकिल, कैश वरना सामान की स्नैचिंग की थी, जिसमें 3 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी महफूज वासी बिन नाजर को कल प्रोडक्शन वारंट के आधार पर जिला जेल सहारनपुर से लेकर आए थे, जिसको मुकदमा जमा गिरफ्तार करके एक दिन के रिमांड पर है।